अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 25th of December 2020, यानी क्रिसमस का दिन। और हर साल हम क्रिसमस में अपने बच्चों को कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं, कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं शहर से, बट इस साल कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अपने बच्चों को आज यहीं घुमाएँ, तो देखते हैं आज हम कहाँ जाते हैं। तो आप भी साथ में रहिए। ये वाला फ़िश टैंक मैंने बनाया है, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत से बना है, और ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इतनी सारी ग्रीनरी मैंने इसके बाजू में रख दी है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ से, और बहुत प्यारी फिशें इसमें सेट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। फिश पॉट वैसे भी डिप्रेशन के लिए बहुत मेडिसिन वाला काम करता है, अगर आप फिश को स्विम करते देखते हैं तो आपका डिप्रेशन काफ़ी कम होता है और कंट्रोल में आता है। ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और निकलते हैं, चलिए आप भी हमारे साथ। ये एक्चुअली ये न्यू ईयर भी आएगा ना, दो त्योहार होता है ना ये, तो न्यू ईयर में भी इनका बहुत अच्छा हो जाता है। मैग्नेटो मॉल, तो हम आए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ में मैग्नेटो मॉल। ये यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है और काफ़ी अच्छा मॉल है। पहले यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी एक्टिविटीज़ करने के लिए जब बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मोस्टली हम यहाँ शॉपिंग के ही इरादे से आए हैं। और क्रिसमस के टाइम इतनी खूबसूरत लाइटिंग्स लगी होती हैं मॉल में कि वो देख के ही एक अलग सी त्यौहार वाली फीलिंग आती है, तो हम ये लाइटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। यहाँ सारे ब्रांड्स हैं खाने के, कपड़ों के, अच्छा मॉल है ये भी, हमारे रायपुर का बहुत बड़ा और बहुत फेमस मॉल है। और क्रिसमस में तो इस मॉल को एकदम दुल्हन की तरह सजा देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई नई नवेली दुल्हन है, तो ये देखने में एक और ही मज़ा आता है यहाँ आके। और ये लाइटिंग्स न्यू ईयर तक लगी रहेंगी इसी तरीके से, ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों एक साथ यहाँ पे अच्छे से लोग आके सेलिब्रेट कर सकें। ब्लैक कलर का चाहिए, चलो आप करो। ग्रे ग्रे, हाँ शॉर्ट ग्रे अच्छा है ना, मास्क पहन के शॉपिंग नहीं होती बहुत। गाड़ी कहाँ है,
मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे सूट नहीं होती। बट मुझे नेल पेंट्स का काफ़ी शौक़ है और बहुत सारा कलेक्शन था यहाँ पे। ये वेस्ट साइड है। एक लेना, ये लेना। चलो आगे होगी। ये है हमारा मैग्नेटो मॉल, बहुत रश है यहाँ पे। नहीं, क्यूट लग रहे हैं लोग फुग्गा लेके बैठे। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, आपको मिलते हैं घर पे। तो हम लोग आ गए हैं अभी वापस मॉल से, बच्चों को ले गए थे कि थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करा देते हैं उनके पास में, अगर जैकेट्स वगैरह नहीं है तो वो दिला देते हैं। मगर बच्चों की चॉइस बहुत डिफरेंट हो गई है हम लोगों की चॉइस से, और हम जो चाहते हैं कि वो ले उनको वो पसंद नहीं आता है। तो क्या आपके टीनेजर बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों ने कुछ ली एक दो चीज़ें, बट जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी उनके लिए वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी खुद के लिए। तो अब काफ़ी डिफरेंस हो गए हैं हम लोगों की चॉइसेस में। तो खैर अब आ गए, हमने बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज क्रिसमस की वजह से। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।